कमांडो डिफेंस एकेडमी के संचालन करता कमांडो जीरा से शिकायत, अपने बेशकीमती शब्दों से हमें अग्रसित करेंगे। कमांडो जीरा से शिकायत साहब। जय हिंद, बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को प्यार। शुरू शुरू में जब 465 आरडी पे एकेडमी शुरू की थी तो तब क्या आज भी लोगों को पता नहीं एकेडमी चीज़ क्या है। और वैसे उतने शानदार कॉम्प्लीमेंट नहीं आए, कमेंट्स ज़्यादा आए, क्या चलेगी यहाँ पर, बच्चे नौकरी थोड़े लग पाएंगे, ये वो। थोड़ा सा मैं भी शुरू शुरू में निराश हुआ, यार इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आया हूँ और यहाँ कोशिश कर रहा हूँ ऐसा ना हो कि कहीं मिट्टी में मिट्टी होकर रह जाऊँ। लेकिन काफ़ी आप जैसे ऊर्जावान साथियों से प्रेरणा मिली और कोशिश की, उसी कोशिश की बदौलत आज वैसे एक कहावत है, घर का जो कि जोगना बाहर का गो सीध। यहाँ के लोकल स्टूडेंट मेरे पास में कम है, बाहर के ज़्यादा हैं, लेकिन रिजल्ट इतने कम टाइम में अगर आप देखोगे उस डिपार्टमेंट में तो अपना रिजल्ट बहुत शानदार है। और 32 बच्चे अब तक ज्वाइन कर चुके हैं, पिछले सितंबर से, अब तक की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले सितंबर से अब तक। अभी दो दिन पहले हरी सिद्ध लखनऊ नर्सिंग असिस्टेंट ज्वाइन हुआ है और ये अभी ज्वाइन करेंगे, तो 32 अब तक ज्वाइन कर चुके हैं। और ये सिलसिला आगे और अच्छा चलता रहे और इसी प्रेरणा के साथ में हम और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। एक हमने अपने आप से कमिटमेंट किया कि यार इस क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में अच्छा कार्य कर रही हो, जो बाकी बच्चों के लिए प्रेरणा बने, बच्चियों के लिए प्रेरणा बने, उनको जब हम अगला जब भी प्रोग्राम करेंगे बच्चों को सम्मानित करने का, ये सिलसिला तो आपके आशीर्वाद से चलता रहेगा। हमने तो ये 2 महीने प्रोग्राम करना ही करना, क्योंकि बच्चे नौकरी लगते जाएंगे, हम आपको याद करते जाएंगे। तो इसी प्रोग्राम के साथ साथ में जो अपने क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे द्वारा नौकरी लगाए हुआ, अपने खुद की मेहनत से जिन्होंने जो कुछ भी काम किया, उन सबको इस प्लेटफॉर्म पर ला के सम्मानित करने का हमारा प्लान है। उसी प्लान में बजरंग है, उसको आज सम्मानित कर रहे हैं। और बड़ी खुशी होती है कि इस क्षेत्र में और नेशनल लेवल का, अगर आप में कोई स्पोर्ट्समैन है तो उस लेवल को समझेगा। और इनके पिता श्री लेगा जी हैं, वो तो पूरी टीम के खिलाड़ी हैं, कबड्डी खिलाड़ी हैं वैसे भी, और उसी परिपाटी को बढ़ाया उन्होंने, बच्चे को आगे प्रेरणा दे के आगे बढ़ाया। तो जब भी इस प्रकार की प्रतिभाएं होती है तो आप भी आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन करें, उनको आपकी तरफ से जितना सहयोग हो सकता है करने की कोशिश करें, हम भी कर ही रहे हैं। और इससे अपने क्षेत्र का नाम रोशन होगा, विकास होगा। दूसरी बात, बीच बीच में हम लोग कुछ हैं, क्या बोलते हैं उसको, जुनूनी आदमी जो जेब से पैसा लगा के इस क्षेत्र में किसी गेम में या कोई ना कोई इवेंट करते रहते हैं। तो आप इतने सारे जितने पहुंचो ना, सब पॉजिटिव लोग हो, और मैंने पॉजिटिव लोगों को ही इनवाइट किया, आमंत्रित किया। आप सबसे मिलते हैं जब प्रेरणा मिलती है, आप हर काम के लिए बोलते गुड साहबा यार कमांडो कर ले, गुड साहबा, सभी दोस्तों को आप प्रोत्साहित करते हो, उसी वजह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। और कहीं कहीं निराशा होती है तो आप जैसे फिर एक ऊर्जावान व्यक्ति आता है, बोलता है यार कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई गलत बात हो भी गई है तो कोई बात नहीं यार, आगे बढ़ो और अच्छा होगा। तो जब कहीं कोशिश करते हैं हम लोग ना, ये एक छोटी सी टीम है, जब कोशिश करती है किसी काम को करने की स्पोर्ट्स की दुनिया में या जहाँ भी, तो आप सबसे आग्रह केवल इतना बोल दीजिए गुड साहबा यार बहुत अच्छा किया तुमने, है ना, उससे जोश दोबारा हो जाता है तैयार और अगला प्रोग्राम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आप आशीर्वाद बनाए रखिए और इस क्षेत्र को चमन बना देंगे, आपने जितना है जितना सीखा है वो बच्चों में डालने की कोशिश करेंगे। आप आशीर्वाद बनाए रखिए और हम आपको हर 2 महीने 3 महीने बाद में परेशान करेंगे, तो अपना वक्त लेके थोड़ा सा हमारे लिए आ जाइए। थैंक यू, जय हिंद।